दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास मीठा सा छोटा सा सुंदर सा अच्छा सा सॉन्ग लेकर आई हूँ। बच्चों के लिए है ये सॉन्ग। सॉन्ग का नाम है चंदा है तू मेरा सूरज है तू। तो अब मैं सिखाने जा रही हूँ। आप लोग अपने बच्चों के डिफरेंट फंक्शंस में ये डांस कर सकते हो। बच्चों को संबोधन करते हुए आप लोग ये डांस कर सकते हो। तो मैं पहले पार्ट में आप लोगों को ऐसे ही डांस सिखाऊंगी, ठीक है। तो दूसरे पार्ट के लिए आप लोग अपने बच्चों के लेकर बच्चों को लेकर डांस कर सकते हो। नहीं तो आप लोग छोटा सा डॉल को भी यूज कर सकते हो ये सॉन्ग के लिए, वो भी नहीं तो आप लोग ऐसे ही डांस कर सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज का पहला स्टेप है 1 2 3 4, ठीक है। आप लोग ये दोनों हाथों को ऐसे ऊपर से नीचे लेकर आओगे, ऐसे ऐसे करके ऊपर लगेंगे पहले, तो फिर उसके बाद नीचे ले आएंगे। 1 2 3 4, दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे। ये आज का पहला स्टेप है। तो हम अपने पैरों को दोनों पैरों को ऐसे उठाकर ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 करेंगे। हाथ हम दोनों हाथों को ऐसे करके करेंगे, दो बार करेंगे हम। पहले फो तक करेंगे, फिर एट तक करेंगे। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 काउंट तक एक बार हो जाएगा, फिर 5 6 7 8 करके हम दो बार करेंगे। हम दोनों साइड से घूमेंगे, राइट लेफ्ट, आपको जो साइड पसंद आएगा उसी से पहले घूमिएगा। पहले लेफ्ट राइट और पहले राइट लेफ्ट, ओके। तो मैं अब लेफ्ट से पहले घूमने जा रही हूँ। हाथ ऐसे ही रहेगा हमारा, लेग भी पैर भी हम ऐसे चला चला कर घूमेंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज का पहला स्टेप। म्यूजिक स्टार्ट होते ही आप लोग कर सकते हो ये स्टेप। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक बार लेग को क्या करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर लाकर नीचे ले आएंगे। तो ऐसा हमारा ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप करने जा रही हूँ मैं। तो दूसरे स्टेप के लिए आप लोग ये ड्रेस को भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप लोग दोनों हाथों को ऐसे रखकर, अब हम पैरों को ऐसे ही रखेंगे जैसे आगे हमने किया है, ऐसे करके राइट साइड में जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड में आएंगे। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको पकड़ोगे और ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो अब मैं दोनों स्टेप ज्वाइन करने जा रही हूँ, फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला। रेडी? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं एक एक बीट में सिखा रही हूँ आप लोगों को, फिर एक बीट थर्ड स्टेप आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा जंप करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 करके धीरे से आगे जाएंगे। आप लोग वहीं बैठ कर भी कर सकते हो, पीछे आकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जंप करेंगे, लेग ऐसे इधर लगेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब हाथों को आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे करने जा रही हूँ, आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे। आज का हमारा थर्ड तीसरा स्टेप। तो अब
अब मैं पहले से थर्ड टॉप ज्वाइन करने जा रही हूँ शुरू से. रेडी, 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब गाना स्टार्ट होगा. तो हमारा गाना है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू. तो अब हम क्या करेंगे, चंदा में ऐसे और ऐसे भी दिखा सकते हो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी. ठीक है, तो मैं ऐसे करने जा रही हूँ. देखिए, चंदा है तू. ओके, चंदा में ऊपर करेंगे दोनों हाथों को ऐसे करके, और तू में हम आगे दिखाएंगे दोनों हाथों को ऐसे करके. ठीक है, चंदा है तू. अब मेरा आप कर भी सकते हो फास्ट में, नहीं करोगी भी ठीक है. तो अब दूसरे साइड से फिर करेंगे, हाथ ऐसे करके, पहले साइड में ऐसे, दूसरे साइड में ऐसे करके भी कर सकते हो, नहीं तो सेम स्टेप भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं फिर दिखाऊंगी. रेडी, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू. अब ओ मेरी आंखों का तारा है तू कर सकते हैं, नहीं तो मेरे नहीं करके ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऊपर हाथ दोनों हाथों को ऐसे करके भी हम कर सकते हैं. तो हमारा लेग रहेगा अब ऐसे, पैरों को हम ऐसे उठाएंगे धीरे धीरे से, बहुत ज्यादा मूव नहीं करना है. ठीक है, आप लोग यहीं बैठ के भी आराम से कर सकते हो, धीरे से पैरों को उठा उठा कर हम ये डांस कर सकते हैं. तो अब मैं फिर चंदा है तू से ज्वाइन करने जा रही हूँ. रेडी, 1 2 3 4. चंदा है तू मेरा सूरज है तू, हो मेरी आँखों का तारा है तू. चंदा है तू मेरी सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू. अब जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर. क्या करना है, ये जीती हूँ मैं आप लोग ऐसे कर सकते हो. ठीक है, ऐसे हाथ राइट हैंड को ऐसे रखने है, लेफ्ट हैंड को इधर, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर ऐसे रखना है, राइट हैंड को इधर, दोनों तरफ. अब आप लोग ऐसे लेग को क्रॉस भी कर सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 करके क्रॉस भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी कर सकते हो, लेग को ऐसे ऐसे उठाकर. ठीक है, क्या करना है, ओ मेरी, सॉरी मैं फिर इधर से ही करूंगी. रेडी, 1 2 3 4. चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू. चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू. जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, बस तुझे ऐसे करके देख के ऐसे करेंगे. ठीक है, बस तुझे देख के इस टूटे दिल का सहारा है तू. इस टूटे दिल के दोनों तरफ हाथ ऐसे करेंगे, इस टूटे दिल का सहारा है तू. चंदा है तू मेरा सूरज है तू. ठीक है, तो हमारा पहला पहला पैराग्राफ फिनिश्ड होगा यहाँ से. तो क्या करना है, इस टूटे दिल का, इस टूटे दिल को ऐसे करके सहारा में मैंने ऐसे किया है, सहारा है तू, तुम्हें ऐसे दिखाना है आगे. फिर चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और सूरज है तू मैं आप लोग ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, तो फिर अब स्टेप आएगा, स्टेप में
आगे का ही स्टेप करना है हम लोगों को, क्या करना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आगे का ही स्टेप करेंगे हम, जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में किया था। रेडी? ऐसे भी हैंड को ऐसे रख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। रेडी? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद 8 बीट। दूसरा स्टेप करना है, क्या करना है, मैं पहले पैरों को दिखाने जा रही हूँ। पैरों को इधर लगेंगे दोनों तरफ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जाना है, ठीक है? ऐसे करके, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाथों को इधर रख के आप लोग कर सकते हो, पीछे रख के हाथों को हम पीछे रखेंगे, फिर सेम स्टेप 3 4 5 6 7 8। और दूसरा पैराग्राफ का पहला स्टेप है, क्या है? रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरा स्टेप 1 2 3 4 करके आप लोग अपने बच्चों, अपने डॉल जो भी है आप लोगों के पास उसको लेकर कर सकते हो, ठीक है? क्या करेंगे मैं फिर शुरू थर्ड स्टेप तक दिखाऊंगी फर्स्ट से। रेडी? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे करके आगे दिखाइए, घूमिए, फिर अपने बच्चों, अपने डॉल जो भी है आपके पास वो लेकर आ सकते हो, ठीक है? तो अब हमारा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से। तू खेले खेल कहीं, तो ऐसे ही फिर हम साइड में जाएंगे, साइड में जाएंगे, अपने बच्चों अपने डॉल को ऐसे ऐसे करके सॉन्ग क्या है, तू खेले खेल कहीं मेरा खिलौना है तू। अब सेकंड में हम आगे ऐसे जाएंगे, पीछे आएंगे, आगे जाते हुए हम राइट पैर को लगेंगे, पीछे आते हुए हम लेफ्ट पैरों को लेकर ज्वाइन करेंगे दोनों लेगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तू खेले खेल कहीं मेरा खिलौना है तू। अब फिर दूसरी बार सॉन्ग स्टार्ट होगा तो हम घूमते घूमते ऐसे करेंगे, ठीक है? तू खेले खेल कहीं मेरा खिलौना है तू। तो अब मैं फिर एक बार कर रही हूँ, हमको क्या करना है, तू खेले खेल कहीं मेरा खिलौना है तू। अब घूमते घूमते करेंगे, तू खेले खेल कहीं मेरा खिलौना है तू। अब हम रखेंगे लगकर इसको, जिससे बनती हर आशा मेरी, जिससे बनती हर आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू, मेरा वो सपना सलोना है तू। छोटा सा है कितना सुंदर है तू, क्या करेंगे, छोटा सा है कितना सुंदर है तू, नन्ना सा है कितना प्यारा है तू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लोग कर सकते हो। फिर मैं एक बार करूंगी डॉल को, विदाउट डॉल, डॉल को रखते हुए मैं ऐसे ही कर रही हूँ।
हम ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, तू खेले खेल कहीं मेरा खिलौना है तू, फिर तू खेले खेल कहीं मेरा खिलौना है तू, जिससे बंदी हर आशा मेरी मेरा वो सपना सलोना है तू, छोटा सा है कितना सुंदर है तू, नन्ना सा है कितना प्यारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, करके हम ये स्टेप भी फिनिश करेंगे। तो मैंने टू पैराग्राफ किया है, आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग देखकर सीख सकते हो। ओके फ्रेंड, अब मैं फिर दूसरी बार दूसरा सॉन्ग लेकर आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू।